पेटी पे थोड़ा जल गया है मेरा। बोलो तो दवाई लगा दूं? क्या? कुछ नहीं, कैसे आना हुआ? वो ना आपसे एक काम था। आपको तो पता ही है मैं तलाक के बाद अकेली हो गई हूँ, घर पे मन नहीं लगता, बोर हो जाती हूँ। तो मेरा भी मन करता है क्लब में जाके नाचने का और पब में जाके कूदने का। अरे वाह, लगता है मेरे साथ जाना चाहती है, अच्छा मौका है इसे पटाने का। हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ आज। ठीक है तो फिर मेरे बेटे को संभाल लेना, मैं चली। अंकल जी। हाँ बेटा। मम्मी ने बोला आप संभालोगे मुझे आज। हाँ मैं ही संभालूंगा। आप रो रहे थे अंकल? नहीं तो। वेरी गुड, क्योंकि मम्मी बोलती है रोने वाला आदमी चूतिया होता है। बेटा घड़ी में देखियो टाइम क्या हो रहा है। टाइम 9:34 हो रहे अंकल। अच्छा तो बेटा बताओ कैसे टाइम पास करें। अंकल मैं ना बहुत समझदार बच्चा हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। मैंने आज एक वीडियो में देखा था, थप्पड़ मार के लड़का बोलता है कि मच्छर था। गधे, अभी एक थप्पड़ मारूंगा तुझे। मारो, मम्मी से बोलूंगा आपने मुझे माँ की गाली दी और आपने बोला तुझे जान से मार दूंगा, तेरा पेट काटूंगा, तेरी किडनियां बेचूंगा, बोटी बोटी करूंगा, हड्डियों का राख बनाऊंगा। चल बेटा जो हो गया हो गया, चिड़िया उड़ी खेलेगा? हाँ अंकल चिड़िया उड़ी खेलते हैं। चिड़िया उड़ी उड़ते 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 वो अंकल उड़ के आपके गाल पे बैठ गई थी। तेरी तो मार क्यों रहे हो? बाल तो मत नोचो। मैं आ गई। देख बेटा मैंने भी तुझे मारा, तूने भी मुझे मारा, बात बराबर। मैं तेरी शिकायत नहीं करूंगा, तू मेरी शिकायत नहीं करेगा। ठीक है? ठीक है अंकल। अरे पड़ोसन जी आ गई आप। वैसे मानना पड़ेगा आपका बच्चा है बहुत समझदार, बहुत शरीफ है, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया मुझे इसने। आ मेरा लाडला बेटा। तो ठीक है पड़ोसी जी, अब हम लोग चलते हैं। मम्मी एक बार टाइम देख के बताना कितना हुआ है। टाइम